अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ नरवाल से। हमारे रिपोर्टर मोहसन अली बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर अला पंजाब के मुशीर राना मोहम्मद इस्तखार ने कहा है कि वजीर अला पंजाब परवेज जिलानी ने साबिक दौर में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों के जाल बिछाए, 1122 का तोहफा दिया, पेट्रोलिंग पुलिस दी। परवेज जिलाई पंजाब के मोहसिन हैं। इमरान खां और परवेज जिलाई का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे। गरीबों को पांव पर खड़ा किया जाएगा, मजदूरों और मसीह बरादरी के हकूक का तहफ्फुज किया जाएगा। इन ख्यालात के साथ उन्होंने मुशीर मुंतखब होने के बाद मकामी मार्की में अपने हल्के की आवाम और कारकुनान से खिताब करते हुए किया। राना मोहम्मद इस्तखार ने कहा कि अब खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है, तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। नरवाल को मिसाली ज़िला बनाएंगे, आवाम के हकूक के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जातियात की सियासत पर यकीन नहीं रखता। DHQ अस्पताल भी परवेज जिलाई का मंसूबा था। सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी भी बनाई जाएगी और बहुत से मंसूबों पर काम हो रहा है। अनकरीब वजीर अला पंजाब नारवाल का दौरा करेंगे और बहुत से मंसूबों का ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मलिक अब्दुल रऊफ मेरा दरीना साथी है और तमाम कारकुनान हमारे दस्त बाजू हैं। भाई, तूने नोटिस किया? हाँ यार, पेप्सी काफी स्ट्रांग हो गई है ना? या नहीं, पेप्सी अब और भी ज्यादा स्ट्रांग, तो व्हाई नॉट मेरी जान।